subscribe to our channel by clicking subscribe button. Click the bell button and get notified directly for our latest upload. तो कैसे हो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर रैम्स की, कैसे इनको इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं आज। जी जो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जाना है आपने जिसके अपने जो कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। यहाँ पे आके अपने एडवांस जो सिस्टम सेटिंग्स हैं इसके अंदर आपने क्लिक करके एडवांस सेटिंग के ऊपर जाना है। मोस्टली के ऊपर फर्स्ट सेटिंग जो होंगी, आपने एडवांस सेटिंग पे जाके फर्स्ट सेटिंग के अंदर जाना है, ना कि दूसरी पे है उस पर नहीं जाना। उसके बाद आपने करना ये कि यहाँ पे इन्वायरमेंट है, अपने एडवांस के अंदर फिर चले जाना। यहाँ पर आपको आपकी जो वर्चुअल जो मेमोरी होगी रैम के, उसके बारे में लिखा पड़ा होगा। कुछ लोगों की 2000 होगी, कुछ लोगों की जैसे मैं 1400 है। तो आपने यहाँ से इसको चेंज कैसे करना, आप यहाँ पे इसको फॉलो कीजिएगा। आपने सबसे पहले ऑटोमेटिकली को अनक्लिक करके यहाँ से जिसके ऊपर आपने जिससे आपने मेमोरी अचीव करना चाह रहे हैं आपने उसको क्लिक करना है। मैं आपको सबसे पहले ले चला हूँ, दिखाता हूँ कि आपके पास इसके लिए ज़रूरी कितनी है। सबसे पहले तो मैं आपको लेके जाता हूँ अपने कंप्यूटर के पीसी के अंदर। यहाँ पे आप देखें अभी 14 है और इसके अंदर ज़्यादा है, बाकी सबके ज़्यादा, लेकिन मैं आपको सी को नहीं यूज़ कर सकता इस वक्त, क्योंकि सी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी काम है। तो इसलिए मैं डी को यूज़ करते हुए यहाँ से एक मेमोरी को लेता हूँ और यहाँ से इसको वर्चुअल मेमोरी में जो रैम के शक्ल में बना लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से 6 GB की जो 6 GB से थोड़ा सा कम है उसको मैं 6000 में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में एम पी को कर लिख के सिंपल मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। और जो ये जो 6 GB हैं, जो 6 GB हैं इससे कम है, ठीक है, और ये उस शक्ल में बन जाएगा। यहाँ से वो सेट के पूछ रहा है और सिंपली आपने अप्लाई कर देना, यहाँ से ओके करते हैं। और यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे आपको रिस्टार्ट का कहेगा, ठीक है। यहाँ जी भाई, रिस्टार्ट होके हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आपको वापस ले चलता हूँ उसी जगह पे। यहाँ पे आपने देखना है कि सिस्टम सेटिंग के अंदर आपकी रैम इस वक्त चेंज हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी मेमोरी थी मैंने आपको दिखाया था वो भी इस वक्त काम हो चुकी है। तो गाइस, इस तरह आप अपने जो रैम की मेमोरी है, अपनी रैम कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपकी मदद देता है आपके फाइल स्टोरेज के और डिफरेंट परफॉर्मेंस को इशू ये सॉल्व करता है। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।